हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल वैद्य मास्टर में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। जैसा तो फटाफट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर की बटन दिया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुँचते रहते हैं। चलिए स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आप कौन सा क्वेश्चन है? अगला अपना फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। चलिए एनसीईआरटी का बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है? अब क्या उड़ाएंगे? अपन काइट उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे? काइट। काइट कैसी होती है? ध्यान से देखना, ये काइट वाला क्वेश्चन आ गया। ये रहा आपका काइट, ये बन गया काइट। अब काइट उड़ाएंगे बच्चों, क्या उड़ाएंगे? काइट उड़ाएंगे। काइट बना दिया। चलिए क्वेश्चन देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कितने मीटर डिस्टेंस कह रहा है? 60 मीटर डिस्टेंस कह रहा है, ठीक है। ये मैंने बना दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है कि अगर डायग्राम बना तो क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व होगा, क्लियर। चलिए 60 मीटर हाइट हो गया ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट टेम्परेरी टाइट, मतलब क्या है? जो यहाँ से स्टिक लगा हुआ वो टेम्परेरी क्या है? टाइट है, मतलब सीधा है, ऐसा नहीं कि आप ढील दे रहे हैं, ठीक है ना, टाइट है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री, कितने डिग्री पे है इंक्लाइनेशन? कितनी डिग्री पे है? 60 डिग्री पे है, क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करना है, इस वायर की लेंथ फाइंड करना है। जो स्ट्रिंग है आपकी उसको फाइंड करना, जो आपने धागा लगाया थ्रेड लगाया उसकी लेंथ फाइंड आउट करना। सिंपल क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन नंबर हमने फोर्थ में बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम है। थर्ड में भी इसी तरह बताया था कि जब स्लाइड थी स्लाइड की लेंथ पता करनी थी। चलिए लेट नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर। हमको पता क्या करना है? इसमें लेंथ पता करना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या पता करना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को हम मान ले रहे हैं क्या? इसको मान लिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो क्या हो गया? ए सी, ठीक है, एस इक्वल टू एल। चलिए और इसमें क्या क्या दिया है देख लीजिए। आपका ए बी दिया हुआ है, ए बी क्या हाइट है? ए बी आपका दिया हुआ है 60 मीटर एंड एंगल ए ए सी बी गिवन कितना है आपका? 60 डिग्री। लेट नाउ स्टार्ट ट्रिंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन थीटा। दोस्तों मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा, ए बी की वैल्यू कितनी है? 60, ए सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है? एल, और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3 अपॉन 2, 60 अपॉन एल, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 60 अपॉन रूट 3। अब रूट 3 ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा? अपने को रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन करने पड़ेगा, इसको 2 भी मल्टीप्लाई करना है इसमें 2। तो जब इसको रेशनलाइजेशन करोगे आप तो हो जाएगा आपका एल इक्वल टू 120 अपॉन रूट 3, 3 अपॉन 3। रेशनलाइजेशन का मतलब बताया था कि अगर किसी भी रूट वैल्यू है उसको ऊपर नीचे इनटू करने पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया? 120 रूट 3 अपॉन 3, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सिंगल वैल्यू रूट 3 आ जाएगी, इससे कैंसिल कर दो आप तो क्या जाएगा? 14 रूट 3 मीटर। तो यहां से ये क्या आ गया अपना? हेंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 14 रूट 3 मीटर, ओके। तो इसी तरह बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर जाइएगा, नहीं रुकिए, अभी एक क्वेश्चन और बताना है, सिक्स नंबर, ठीक है, नोट कीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एनसीईआरटी बुक का निकाल लीजिए। अगर इससे पहले अगर आपने देखा नहीं तो स्टार्टिंग से जाइए प्ले स्टोर में और शुरू से देखिए, तो इसके रूल्स वगैरह आपको
समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया हुआ है कि अ 1.6 मीटर टॉल बॉय स्टैंड सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक बॉय है जिसकी हाइट कितना दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट कितनी दिया है 30 मीटर, ध्यान देना। ठीक है, जो कि यहां से मैंने बना दिया कि ये भी 1.5 मीटर की टाल बच्चा है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पास खड़ा हुआ है। कितनी मीटर बिल्डिंग है हाइट 30 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ इलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। टूवर्ड बिल्डिंग की तरह जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी, अगर यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल बन रहा है, लेकिन जैसे वो बिल्डिंग की साइड जा रहा है तो उसका एंगल बढ़ रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल डायग्राम बन गया डायग्राम आपका। चलिए, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। क्या बताना है अपने को, डिस्टेंस बताना है। इन द सेंस ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका ई। तो क्वेश्चन बताना है डी ई, यहां पर ई लिख दीजिए और यहां पर एफ लिख दीजिए। ठीक है, ये बन गया। चलिए, इतना तो आपका डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे जो ये यहां पे एक बच्चा था, बॉय था, बॉय इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसकी क्या बताना है अपने को, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एक्स है, ये हाइट हो गया। अब यहां पे दो ट्रिंगल्स हमको बनते हुए दिख रहे हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए कि 1.5 मीटर का एक बच्चा है जो बिल्डिंग के पास 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के पास खड़ा हुआ है, तो टॉप से उस बच्चे के सिर पे एंगल जो बन रहा है हेड पर वो 30 डिग्री का बन रहा है, फिर जैसे जैसे वो बिल्डिंग की साइड जाता है 60 डिग्री का बनता है, तो कितना डिस्टेंस चला बच्चा ये बताना है अपने को। ठीक है, तो यहां पर ए बी जो दिया हुआ है वो हाइट है ए बी, यहां गिवन क्या दिया ध्यान देना, गिवन जो दिया हुआ है ए बी हाइट ऑफ दी बिल्डिंग क्या हुआ, हाइट ऑफ दी बिल्डिंग क्या हुआ। ठीक है, ये हो गया क्लियर। और क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, कितना दिया हुआ बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग की कितना दिया हुआ 30 डिग्री, लेकिन जो यहां से अपने को निकालना AF कितना होगा, AF इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस BF, BF बच्चे की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 30 माइनस 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 28.5 मीटर, ये हाइट होगा यहां से लेकर यहां तक, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने अभी निकाल दिया। ठीक है, यहां पर सीडी और बीएफ, सीडी और बीएफ दोनों इक्वल है। ठीक है, सीडी और बीएफ दोनों इक्वल है, ये भी यहां पर लिख देंगे सीडी और बीएफ दोनों इक्वल है। ठीक है, ये भी फाइंड क्या करना है, टू फाइंड अपने को क्या करना है, डीई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डीई फाइंड करना है। चलिए, अब जब ये फाइंड करना है The distance walk by the boys toward the building, ठीक है? अब यहां से हम दोनों यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसको। चलिए फटाफट से पहले क्या करते हैं, इन ट्रिंगल ए एफ ई ए एफ ई कहां पर है, सबसे पहले इस वाले ट्रिंगल में हम बात करते हैं इस ट्रिंगल की। ठीक है, तो ए एफ अपॉन ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा, और ए एफ की वैल्यू क्या निकाला अभी आपने निकाल लिया 28.5 अपॉन ई एफ की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो ई एफ ही लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखोगे आप, ई एफ और यहां पे tan थीटा tan 16 वैल्यू क्या हो जाएगी √3,
तो यहां पे आ गया आपका EF इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये यहां जाएगा ये इसके नीचे डिवाइड आ जाएगा तो 28.5√3। चलिए इसको ऐसे कर दीजिए आप। अब दूसरी चीज देख ध्यान देना आप लोगों को इन ट्रेंगल अब बड़ा वाला ट्रेंगल ले लीजिए। कौन सा ट्रेंगल लेंगे बड़ा वाला AFD। इसी तरह से लिख दीजिए AF/FD इक्वल टू tan थीटा। तो यहां AF की वैल्यू तो आपको पता कितना 28.5 है और FD की मेरी वैल्यू क्या मान लिया है आपको बता दिया x मान लिया x या आप x मान के FD दीजिए। ठीक है FD ठीक है FD और इक्वल टू tan 30 तो tan 30 पर कौन अपॉन रूट 3 तो 28.5 FD इक्वल टू 1/√3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका FD यहाँ पे जाएगा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा कितना हो जाएगा 28.5√3। ठीक है चलिए अब अपने निकालना है द डिस्टेंस वॉल वॉल्व डिस्टेंस वॉल्व बाय द बॉय टूवर्ड बिल्डिंग तो बिल्डिंग की तरफ कितना है बिल्डिंग की डिस्टेंस कितनी है क्या निकालना अपने को डी ई निकालना तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा आपका डी एफ माइनस ई एफ। चलिए तो डी एफ की वैल्यू भी निकाला हमने कितना 28.5√3 माइनस कर देंगे कितना ई एफ की वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा एक तो 28.5√3 ये आ गया आपका। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए एलसीएम जब ले लिया तो आ जाएगा आपका √3 और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28.5√3 माइनस 28.5 ये हो जाएगा। ठीक है अब क्या कीजिए आप इन दोनों में से 28.5 कॉमन हो गया 3 - 1/√3। अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो 28.5 × 2/√3 पूरा कैलकुलेट करके जब आप करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा आपका आंसर इतना कॉपी कर लीजिए फिर बता रहा हूं डायग्राम की जरूरत नहीं है डायग्राम में रफ कर दे रहा हूं। ठीक है इसको करेंगे जब इसको कैलकुलेट आप करेंगे इसको तो यहां से डी ई निकालना था हमको तो डी इक्वल टू क्या जाएगा 28 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 57/√3। ठीक है अब इसको इसमें लाइजेशन कर दिया अपन ने ये तो क्या होगा 57/√3/3 और क्या ये कैंसिल हो जाएगा यस कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 × 9√3 इतना मीटर उसने डिस्टेंस क्या किया था वॉक किया था। क्लियर है दोस्तों समझ में आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द मिलूंगा। ओके बाय।